हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सचेंज यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, जो हमने कल के लिए आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रिस्पांस रहा है। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 72,508 के नीचे आती है तो हमें फर्स्ट टारगेट 72,330 और सेकेंड टारगेट हमें 72,235 और थर्ड टारगेट जो है 71,570 देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट हिट किया है। यहाँ पे मार्केट ने सेकेंड जो है ब्रेक डाउन लिया है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली अगर अपना थर्ड टारगेट जो है वो हिट किया है। यहाँ से मार्केट ने हमने दोनों तीनों टारगेट हिट किए हैं। उसके बाद मार्केट ने हमें डिस्कस किया था, अगर ये लाइन टूटेगी, ये वाला जो लेवल है, ये अगर ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 72,800 का रह सकता है, जिसको मार्केट ने एग्जैक्टली अचीव किया भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी तो वो टारगेट एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारे सभी टारगेट्स जो हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, वो सभी अचीव हुए हैं। सो आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट से अर्न किया होगा। बात कर लेते हैं XAG USD ने किस तरह का रिस्पांस दिया है, तो एक बार स्विच करते हैं। इसमें भी हमने मार्क किया था 23.5945। अगर ये ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23.48 जो यहाँ पे अचीव हुआ। सेकेंड हमारा यहाँ से एक्टिवेट होने के बाद हमारा ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ, और उसके बाद हमने डाउनसाइड का टारगेट लिया था कि यहाँ से डाउनसाइड पे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमारा ये टारगेट रहेगा। ये टारगेट मार्केट काफी नीचे तक आया है, इसको एग्जैक्टली टच नहीं किया है, यहीं से वापस रिवर्सल हो गया, तो थर्ड टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से हमने डिस्कस किया था, अगर 23.59 के ऊपर मार्केट आती है तो हमें फर्स्ट टारगेट 23.69 रहेगा, सेकेंड टारगेट 23.76 रहेगा। दोनों ही टारगेट मार्केट ने हिट भी किए हैं और अचीव भी किए हैं। आई होप अगर आपने इसमें भी ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट ही मार्केट से अर्न किया होगा। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए कि किस तरह का मोमेंटम रह सकता है मार्केट में, लेकिन हम एक बार डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि हमें डाउनसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी है यहाँ से, और उसके बाद हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। आज छोटी सी कैंडल बनी है लेकिन बनी है, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हम एक बार ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं, पुरानी सारी लेवल्स हैं जो कि अभी इस टाइम पे हाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो हम ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर मार्केट ने पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और अभी भी मार्केट एग्जैक्टली इसी से सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये अपसाइड का मोमेंटम डे के चार्ट में बना हुआ है, अपसाइड पे जा सकती है मार्केट। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इंट्राडे की बात करें तो किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्स कर सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में इस टाइम पे 23.59 और 23.699 का लेवल, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले यही सेम लेवल्स रहेंगे हमारे, अगर मार्केट 23.699 को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट रहेगा 23.76, सेकंड रहेगा 23.85, थर्ड रहेगा 23.955 का लेवल। तो यहाँ से देखिए, अपसाइड के हमने ज्यादा लेवल्स मार्क किए। रीजन उसका ये है कि हमने डे के चार्ट पे देखा है कि मार्केट को डाउनसाइड पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए हमने अपसाइड के जो है मल्टीपल टारगेट्स हमने मार्क करे हैं। उसके बाद डाउन साइड के लिए अगर 23.59 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, देखिए वॉल्यूम की जरूरत होती है हमें, वॉल्यूम अच्छी आनी चाहिए। वॉल्यूम अच्छी नहीं आएगी तो हम डाउन साइड पे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो हमें वॉल्यूम जब अच्छी मिली है तो मार्केट ने हमें टारगेट्स को हिट किया है, तो वॉल्यूम को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये जो लाइन है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये एवरेज वाली लाइन है, पिवट्स की लाइन है। वॉल्यूम में अगर आपने सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर्स में अगर आप जाएंगे, इंडिकेटर्स में आप यहाँ पे टाइप करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपका सबसे ऊपर ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर है, इसको आप क्लिक करेंगे। इंडिकेटर पे आने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपका ये जो है अनचेक हो रखा होता है, वॉल्यूम MA अनचेक हो रखा होता है, अनटिक हो रखा होता है, इसको टिक मार्क करना है आपने और ओके। बस इतनी सी सेटिंग है वॉल्यूम की, इसमें और कुछ भी नहीं करना है आपने, सिंपल वॉल्यूम जो है वही हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिए। डाउन साइड पर हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर 23.59 से नीचे क्लोजिंग देती है तो 23.48 फर्स्ट टारगेट, 23.38 सेकेंड टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने मंडे के लिए, मंडे को हमें काफी हेल्प मिल सकती है इनसे। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और किस तरह से ओपन करना है, कितने फंड्स की जरूरत है, किस तरह से फंड्स ऐड विड्रॉ करने हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू पता चल जाएगा। और अगर आपके फंड्स ऐड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स में हमें मल्टीपल टाइम्स आता है कि फंड्स ऐड नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी मिनिमम लिमिट को चेक कीजिए कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मिनिमम लिमिट जो है वही रहनी चाहिए, मिनिमम लिमिट के नीचे अगर आप ऐड करेंगे तो फंड्स ऐड नहीं होंगे। आपको मिनिमम 1500 रुपीज़
ऐड करने ही पड़ेंगे किसी भी टाइम पे। अगर आप अकाउंट ओपन भी कर लेते हैं उसके बाद भी आप आने वाले टाइम में अगर आप फंड्स ऐड करते हैं तो मिनिमम आपको 1500 ऐड करने ही पड़ेंगे। तो बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो काफ़ी सारा डाटा आ रहा है वैसे, वो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट पे, और मेजर डाटा नहीं आ रहा है जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा मार्केट में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डाटा है जिसका इम्पैक्ट हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के लिए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यूआर का डाटा यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा हम यहाँ पे दे रहे हैं, और डिटेल एनालिसिस के लिए आप जो है डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं और प्रीवियस लेवल्स हमारे यहाँ पर है। यूरोप का डाटा है, जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितने ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलती है, उतनी ज़्यादा लोगों के पास पैसे आते हैं, जितने पैसे आएंगे वो उतना डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन और उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आती है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इकोनॉमी पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली यूरोप की जो करेंसी है, कंट्री है, वो इम्प्रूव होगी और करेंसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस केस में आपको EUR USD में एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है अगर डाटा पॉजिटिव आया तो। अगर यूरोप का डाटा पॉजिटिव आया, यूरोप की करेंसी अगर यूरो अगर स्ट्रांग हो रही है तो ऑपोजिट करेंसी यानी कि US डॉलर जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती है। देखिए ये EUR USD जो है करेंसी पेयर होता है, दो करेंसीज को जोड़कर बनता है। इसको आप एक आप न्यूमरेटर में रखिए, एक आप डिनोमिनेटर में रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 1:1 है, अगर EUR बढ़ जाता है इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 1/1 करेंगे 1 आएगा। अगर यूरोप की करेंसी बढ़कर 2 हो जाती है तो US की करेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है एज कम्पेयर टू यूरो, ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो गई है, किसकी वैल्यू बढ़ गई है, यूरोप की करेंसी की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में, ठीक है। तो अगर एक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली दूसरी करेंसी की वैल्यू कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ पे दोनों करेंसी बराबर है, यहाँ पे एक करेंसी बढ़ गई है, एक करेंसी कमज़ोर हो गई है। अब इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी, इस पेयर की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि यूरो की करेंसी यहाँ पर बढ़ने से हमारे जो यूरो USD का पेयर है वो इंक्रीज होगा, 1:2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास यूरो करेंसी बढ़ती है, अगर हमारी यूरो करेंसी बढ़ती है तो यूरो करेंसी का जो पेयर है EUR USD वो ऊपर की तरफ जाता है और US डॉलर जो है वो नीचे की तरफ जाता है। सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार स्लो मोशन में आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिए इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करते हैं करेंसी पेयर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे अगर US डॉलर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा गोल्ड के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। XAU USD इसमें नीचे की जगह ऊपर की तरफ जाएगा, गोल्ड जो है हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो इंटरनेशनली जो है डॉलर्स में डील होता है, डॉलर्स में ही लेन देन होती है गोल्ड की। तो अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो इसका मतलब ये गोल्ड आराम से खरीदा और बेचा जा सकता है, तो इसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूरो USD जो है ऊपर की तरफ जाएगा, US डॉलर नीचे की तरफ गिरेगा और गोल्ड हमारा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। गोल्ड या फिर आप इसमें सिल्वर भी कह सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साथ ही चलते हैं। XAU USD जो है हमारा इस केस में ऊपर की तरफ जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।